अच्छा बेटा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक पेज नंबर 300 पे एक टॉपिक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले हमने समझना है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने पेश किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दो पोस्टुलेट पेश किए, और दो पोस्टुलेट किसके बारे में थे? नंबर वन लॉ ऑफ फिज़िक्स, एक को कहा जाता है लॉ ऑफ फिज़िक्स विल बी सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मैंने कुछ डिफिनीशन को कुछ शॉर्टकट में लिखे कि लॉ ऑफ फिज़िक्स विल बी सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, यानी फिज़िक्स के जितने भी कवानीन हैं वो इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, उसमें फिज़िक्स के तमाम कवानीन एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे एक फिज़िक्स का कानून अप्लाई होगा तो दूसरी जगह पे दूसरा। नो, अगर एक कानून को हम उठाते हैं एक इनर्शियल फ्रेम में और उसको दो जगहों पे चेक करते हैं तो दोनों का जवाब सेम आना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है रिलेटिव टू सम पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक चीज़ का फासला विद रिस्पेक्ट टू दूसरी चीज़ मालूम करना चाहते हो, तो क्या ये चीज़ जहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो उस चीज़ को, इसके लिहाज से रेस्ट में है या मोशन में है, ये हमें बताता है। यानी लॉ ऑफ फिज़िक्स विल बी सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। सेकेंड पोस्टुलेट में अगर आप देखें तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है। पहला पोस्टुलेट फिज़िक्स के कवानीन के बारे में है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। और दूसरा पोस्टुलेट स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है, इसमें कहा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो सेम होगा इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यानी स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है एक सोर्स से, ठीक है, सन से लेट सपोज, और गुज़र रहा है और हम उसको एक जगह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ऑब्ज़र्वेशन का जो पॉइंट है उसके मोशन को अगर आप इग्नोर करें और अगर आप सोर्स के मोशन को आप इग्नोर भी करें तो फिर स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो सेम होगा इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। इसी कानून को या इसी पोस्टुलेट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कांस्टेंट से निकला है, सिंपल सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट है पहले वाला, ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के फिजिक्स के तमाम कवानीन वो इनर्शियल फ्रेम जितने भी हैं उसमें सेम होंगे, इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के कवानीन सेम होंगे। दूसरा जो पोस्टुलेट है, हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सी जो है वो तमाम इनर्शियल फ्रेम में सेम होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगी। अब बात आ गई टाइम की और साथ में स्पेस की। टाइम और स्पेस, टाइम और स्पेस को अगर आप देखें तो टाइम भी रिलेटिव है और स्पेस भी रिलेटिव है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप देखें ज़रा कि क्या मैं पढ़ाता हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी।